चलो भाई, आज से मेरी और माही की दोस्ती तो बिल्कुल पक्की हो गई, क्योंकि वैसे भी सदा फापी तो जाने वाली है कुछ दिनों में। कहाँ? तुम खुद बताओ ना, आप ही कहाँ जाने वाली हो? अम्मी इसे बात कर आए ना। कबूतर ना करवा दें बल्कि भिजवा दें, वो भी लव लेटर देकर। सदफ, मुझे बता कि बहुत से लोगों ने सिलाई के पैसे नहीं दिए। तूने बात की थी सबसे? जी अम्मी, मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन तक दे देंगे। पता नहीं, लोगों का पैसे देने को दिल नहीं करता, कहना पड़ता है बार बार। करती हूँ आज सबसे बात, भाई पैसे दो हमारे। माहिन, तुमने कुछ खाया बेटा? तुम खा क्यों नहीं रही? कुछ खाओ ना, इतनी अच्छी उसने बनाई है मगरोनी। दिल नहीं कर रहा खाला। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, जब दिल गम से बोझल हो तो भूख प्यास सब उड़ जाती है। लेकिन बेटा रीना तो है ना, और जीने के लिए खाना जरूरी। चलो थोड़ा सा खा लो। देखो अब ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी बहनें हैं, तुमने यहीं रहना है। कोई भी बात हो ना, तुमने मुझसे और अपनी बहनों से कर लेनी, दिल में नहीं रखनी। यहाँ कोई पराया नहीं, ठीक है? हाँ माई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहनों की तरह हूँ। तुम्हारा कुछ भी खाने को दिल चाहे ना, तो तुम मुझसे फरमाइश कर सकती हो। चलो अब ये खाओ मैकरोनी, स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खा लो इसको, वरना कहीं समरा चटना कर जाए। आप ही? अब इतनी भी ना दीदी नहीं हूं मैं। खाला मेरा बेड, मतलब सोना कहाँ है मैंने? सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेटना चाहती हूँ। सर में दर्द है तो चाय के साथ सर दर्द की गोली ले लो ना। नहीं, थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। अच्छा सदफ, जी अम्मी। बहन को जाके कमरा दिखा और चाय भी दे, ताकि ये दवा खाए। ठीक है, जाओ मेरा बेटा। चलाओ माही।